हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको दिस और दैट का यूज करना बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। वी यूज दिस फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज क्लोज बाय। ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें जो हमारे नज़दीक होती है, उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। वी यूज दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे फ्रॉम अस। हम दैट यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए, उन चीज़ों के लिए जो फार अवे, जो बहुत दूर होती है, उनसे दूर होती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज़ अ बॉल। इस लड़के के पास से बॉल है, इसलिए यहाँ पर दिस यूज हुआ है। दिस इज़ अ बॉल। दैट इज़ द सन। जो सन है वो इस लड़के से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर दैट यूज हुआ है। दैट इज द सन। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी है, जैसे यहाँ पर कैट है, सन है, हैट है, तो जो नज़दीक की चीज़ें हैं उनके लिए हम दिस यूज करते हैं, ये हमने यहाँ पर समझा, और जो दूर की चीज़ें हैं उनके लिए हम दैट यूज करते हैं। तो दूर की चीज़ों के लिए एक लाइन लगी हुई है और ये उसकी पिक्चर है, इस तरह से नीचे तक। अब हम देखते हैं किस तरह से इनको फिलअप करना है। नंबर वन है इज अ कैट। यहाँ पर कैट नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर दिस यूज होगा। दिस इज अ कैट। और नंबर टू है डैश इज अ सन। सन दूर की चीज़ है, यहाँ पर लाइन के साथ बताया हुआ है, तो यहाँ पर दैट लगेगा। दैट इज द सन। नंबर थ्री डैश इज अ हैट। दिस इज अ हैट। दिस यूज होगा। और पेन के लिए यहाँ पर लाइन लगाई हुई है, दूर बताया हुआ है, तो यहाँ पर लगेगा दैट। दैट इज अ पेन। नंबर फाइव इज एन एप्पल। एप्पल नज़दीक है, तो यहाँ पर दिस लगेगा। टी एच आई एस दिस। दिस इज एन एप्पल। नंबर सिक्स डैश इज एन ऑरेंज। ऑरेंज दूर है, तो इसके लिए दैट लगेगा। दैट इज एन ऑरेंज। नंबर सेवन डैश इज अ मैन। यह आदमी नज़दीक बताया हुआ है, दिखाया हुआ है पिक्चर, तो यहाँ पर दिस लगेगा। नंबर एट डैश इज अ गर्ल। गर्ल को दूर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर दैट लगेगा। दैट इज अ गर्ल। इस तरह से दिस और दैट यूज होता है। दिस नज़दीक की चीज़ों के लिए और दैट दूर की चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू।